नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं एचसीएन न्यूज। देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रंजना उपाध्याय। तो आइए नजर डालते हैं 20 खबरें फटाफट अंदाज में। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने सीएम पद से दिया इस्तीफा, कहा संगठन के लिए करेंगे काम। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को एक और सहूलियत, चीनी मिलों के बाहर मिलेंगे विशेष तौल केंद्र। छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी बनाएगी बघेल सरकार, फिल्म निर्माण नीति 2021 को मंजूरी। महिलाओं को रुपए बांटकर नए विवाद में फंसे तेजस्वी यादव, जेडीयू ने चुनाव आयोग से की शिकायत। 9/11 की 20वीं वर्षी पर बोले पीएम मोदी, याद रखना होगा आतंकी घटनाओं का सबक। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता टीएस वजीर का अंतिम संस्कार, कई सिख संगठनों ने की मांग हत्या की जांच सीबीआई से कराई जाए। गुजरात को कल मिलेगा नया मुख्यमंत्री, विधायक दल की बैठक के लिए सभी एमएलए को गांधीनगर पहुंचने का दिया गया निर्देश। आप सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप, यूपी में ग्रामीण पेयजल मिशन में हुआ महाघोटाला। हरियाणा में गृह मंत्री अनिल विज ने महीने भर बाद फिर लगाया जनता कैंप, कहा करनाल घटना की संपूर्ण जांच होगी। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने मैनचेस्टर टेस्ट के बाद टीम इंडिया की आलोचना करने वालों को लिया आड़े हाथों, कहा अपने अंदर देखो। सुशांत सिंह राजपूत संग अंकिता लोखंडे ने याद की पहली मुलाकात, बोली वो काफी गुस्से में थे। जावेद अख्तर ने तालिबान से हाथ मिलाने वाले देशों को लताड़ा, बोले भूल जाए मानवता न्याय। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश, कई इलाके हुए पानी पानी, लोगों का हुआ बुरा हाल। प्राइवेट कंपनियों को किराए पर ट्रेनें देंगी रेलवे, विज्ञापन और ब्रांडिंग की दी जाएगी अनुमति। देश के कोने कोने में मजदूरों तक पहुंचाई जाएगी ई श्रम पोर्टल की जानकारी, कंपनियों और मजदूर संघों के साथ हुई बैठक। कोरोना से एक्टिव मामलों में फिर हुआ इजाफा, बीते 24 घंटे में 33,376 नए मरीज, केरल में 177 मौत। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुतारेस ने आतंकवाद और तालिबान की जीत पर जताई चिंता, कहा 7 दिन में गायब हो गई अफगान सेना। दिल्ली में आज कोरोना संक्रमण से नहीं गई एक भी मरीज की जान, 35 नए मामलों के साथ पॉजिटिविटी रेट भी पहुंचा नीचे। हफ्ते भर में चांदी की कीमत में 890 रुपए की गिरावट, वही सोना फिर से हुआ सस्ता, खरीदारी का है सही समय। पेट्रोल डीजल के नए रेट हुए जारी, कीमत में नहीं हुआ है कुछ खास बदलाव। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए एचसीएन न्यूज। धन्यवाद।